दोस्तों आज मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं ये व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी दोस्तों मैं दुबई सूक मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं। ये नज़ारा वहां के आप लोग देख सकते हो, यहां पर हर चीज़ यूनिक टाइप की बनी हुई है। अगर हम इन इमारात इन बिल्डिंगों की बात करें तो ये भी यूनिक हैं। ये आप देख सकते हो इस वीडियो में दोस्तों, यहाँ पर बैठने की जगह कैसे यूनिक बनाई गई है, जैसे लोग बैठें। फिर उसको बीच में दरख्त लगाए गए हैं, दरख्तों को भी पानी दिया जाता है। और अगर इन बैठने की जगह की बात करें तो वो भी यूनिक टाइप की बनाई गई, दरख्तों का भी ख्याल किया और यूनिक चीज़ भी बनाई गई है। अगर रोड रास्ते की बात करें तो आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में कितना ये यूनिक है, हर चीज़ बराबर बना हुआ है। एक और चीज़ ये देख सकते हो, लोग जो है साइकिल पे भी इस टाइप के ये ट्रैक ये बनाए गए हैं। लोग जो है मेन रोड पे साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते हैं दोस्तों। ये एक अलग ही यूनिक टाइप का ये अलग एक शहर है दुबई। यकीन करो इनके जहन में ये कहाँ से ये आइडिया आते हैं, ये जो बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। अजीब अजीब चीज़ें हमें वक्त के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अभी हम जो है दुबई मेट्रो सूक बस स्टेशन के पास जा रहे हैं। आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर तरतीब के साथ बसें वगैरह खड़ी हुई, हर चीज़ बराबर है। आप लोगों को वो मैं दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप ये इस वीडियो में जुड़े रहें, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इस वीडियो में, आप इन्जॉय करेंगे। यकीन कीजिए मैं खुद इन्जॉय कर रहा हूँ। बड़ा साफ़ सुथरा इलाका ये डेरा दुबई में है दोस्तों। फाइनली हम गोल्ड सूक बस स्टेशन पे पहुंच गए हैं दोस्तों। स्पेशली ये आप लोगों को मैं दिखाने के लिए लेकर आया था। ये बस स्टेशन है, यहाँ से ये गुबेबा के लिए या पूरे यूएई के, यहाँ से पूरे दुबई के लिए बसें जाती हैं। और भी बहुत सी स्टेशन हैं, ये गुबेबा सूक बस स्टेशन है दोस्तों जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। ये स्पेशल आप लोगों को मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। अभी आप लोगों आगे चलते हैं, डेरा सिटी का भी थोड़ा विजिट करवाते हैं। फाइनली दोस्तों हम डेरा सिटी के अंदर पहुंच गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, ये डेरा की स्ट्रीट्स हैं, ये गलियां हैं, ये आप लोग गाड़ियां भी देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को डेरा दिखाने के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों अभी हम जो है यूनियन मेट्रो स्टेशन और यूनियन मेट्रो बस स्टेशन के पास ये एक पार्क है, वहाँ पर आ गए हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कैसे ये दोस्त, ये मेरे ख्याल से नेपाल से हैं, स्काइटिंग कर रहे हैं, ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये एक पार्क टाइप है, ये एक पार्क बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत पार्क है। लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा ज़्यादातर ये जो है नेपाली दोस्त जो हैं स्काइटिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों, हम खुद इन्जॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप देख सकते हो, ये देखो कैसे स्लिप हो गया दोस्तों। ये देख सकते हो, ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए हैं मेरे ख्याल से स्काइटिंग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, कुछ पुराने सीख रहे हैं ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये कितने लोग, ये टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, ये बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये वाटर देख सकते हो कैसे फाउंटेन हो रहा है दोस्तों। ये कलरफुल अंदर लाइटें लगाई गई हैं, बड़ा खूबसूरत ये एरिया है। आप यूएई में आएँ तो लाजमी यहाँ पर ये चक्कर लाजिम लगाएं। ये यूनियन पार्क है, यूनियन मेट्रो बस स्टेशन और यूनियन मेट्रो स्टेशन, ये दोनों के बीच में ये पार्क लगता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो नेपाली दोस्त कैसे स्काइटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो अफ्रीकन लोग हैं, जो ये जो फुटबॉल खेल रहे हैं सामने मेरे, आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं आप उन लोगों को दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो में एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। हम डेरा के अंदर आए हैं तो दोस्तों ये देख सकते हो स्ट्रीट फुटबॉलर, ये कैसे अपने कर्तव्य दिखा रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये बाल को नीचे गिरने नहीं देगा, बड़ी मेहनत, ये ट्रेंड लोग हैं मेरे ख्याल से, ये लोगों को दिखा रहा है। ये देख सकते हो, इसको डेरा का हम स्ट्रीट फुटबॉलर भी बोल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, आप इन्जॉय कर सकते हो, हम तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं।
दोस्तों फाइनली हम जो है डेरा सिप्टी में अंदर आ गए। ये नाइट का नज़ारा है, यहाँ पर नाइट अभी हो गई है, रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे रौनक लगी हुई है, ये आप लोगों को मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तकरीबन दोस्तों रात के ये 10 बज गए हैं ये वीडियो बनाते बनाते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों ये तकरीबन 2-3 दिन लग गए इस वीडियो को बनाते हुए। दोस्तों शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले नए व्लॉग में दोस्तों।